अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इन टुडेज लेसन वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वैक्सीनेशन। बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या होती है, क्यों करवाई जाती है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सो स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम वैक्सीन्स को किसी भी पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकें। नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर हम लोग खुद स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस को वीकेंड बना देते हैं या फिर किल्ड कर देते हैं। ये वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस किसी भी इंसान की बॉडी में जब जाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है और उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में मौजूद फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेमोरी सेल्स भी बना देती है जो फ्यूचर में आने वाले उसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जल्दी से आपको रिकवर कर सके। अब आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस शामिल होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस एकदम से बॉडी में आने की वजह से आपकी बॉडी को बहुत वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को उन्हीं इन्फेक्शन में आने से पहले ही बूस्टअप कर लें ताकि जब स्ट्रॉन्ग पैथोजन हमारी बॉडी में आए तो हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सकें। तो इस पर्पज़ के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं बीमारी से पहले। वैक्सीनेशन को सबसे पहले एडवर्ड जेनर 1796 में डिस्कवर किया था, जिसमें उसने यंग बॉय को काउपॉक्स इंजेक्ट करवाया था। काउपॉक्स के पैथोजेंस जब बॉय के अंदर जाते हैं तो वो उसको बीमार कर देते हैं, लेकिन वो कुछ देर के लिए बीमार होता है और उसके बाद रिकवर कर जाता है। काउपॉक्स से रिकवर होने के बाद एडवर्ड जेनर ने उसी बॉय के अंदर स्मॉल पॉक्स के वायरसेस को इंजेक्ट करवाया, लेकिन उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इंजेक्शन होने के बावजूद भी वो जो लड़का है वो हेल्दी रहा और उसमें स्मॉल पॉक्स की किसी किस्म के सिम्टम्स अपेयर नहीं हुए। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की वजह से हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रोसेस आया और स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीनेशन डिस्कवर हुई। मोस्ट कॉमन मेथड वैक्सीनेशन का हमारे पास इंजेक्शन है, लेकिन हम कुछ वैक्सीन्स को माउथ और नेजल स्प्रे के ज़रिए भी देते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे जिनके अंदर बहुत सारे डिजीज़ पहले बहुत कॉमन थी और बहुत सारे बच्चों की डेथ का बायस बनती थी, हमने वैक्सीनेशन के ज़रिए उनको रिकवर कर लिया। बेसिकली जब हम छोटे बच्चों खसूसन जो अभी पैदा होते हैं और पैदा होने के 2-3 साल तक जब उनको वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से हम उनको बचा सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस उनको लाइफ टाइम सेव नहीं करता, जिसकी वजह से उनको बूस्टर शॉट्स लगवाने पड़ते हैं ताकि उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो वैक्सीनेशन की जा सके और उनकी इम्यूनिटी को ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके। टेटनस इज़ वन ऑफ दैट डिजीज़ जिसके अंदर हम लोगों को बूस्टर शॉट देने पड़ते हैं ताकि टेटनस की बीमारी जो है वो उस पर्सन में ना आ सके। नाउ वी विल लर्न हाउ द वैक्सीनेशन वर्क्स। सो मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन पढ़ने से पहले हम नेचुरली अपनी बॉडी के प्रोसेस को पढ़ते हैं कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है तो बेसिकली क्या होता है। जब भी फॉरेन पार्टिकल यानी पैथोजेंस हमारी बॉडी में शामिल होता है तो पैथोजेंस के ऊपर मौजूद प्रोटीन, जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं, ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। ये इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाता है जो इन एंटीजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। एंटीबॉडीज़ फौरी तौर पर पैथोजेंस के साथ अटैच हो जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फिर बाद में हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐसे सेल्स क्रिएट करती हैं जो हमें फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन सेल्स को हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये मेमोरी सेल्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस आते हैं तो हमारी बॉडी पहले उनको रीड करती है, उनके खिलाफ एक्शन सोचती है और फिर उसके खिलाफ लड़ती है। इस सारे दौरान में इन्फेक्शन काफ़ी फैल जाता है, लेकिन मेमोरी सेल्स के होने की वजह से फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन को हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी सेल्स को के होते हुए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फौरी तौर पर उसका एक्शन लिया जाता है। इसी पर्पज़ को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीनेशन काम करती हैं। जब हम वैक्सीन के ज़रिए वीकेंड और डेड पैथोजेंस अपनी ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में
में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स इन ब्लड स्ट्रीम में आने वाले पैथोजेंस को फौरी तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स इन वीकेंड और डेड पैथोजेंस को फौरी तौर पर किल करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में मेमोरी सेल्स शामिल कर देते हैं। ये मेमोरी सेल्स हमें फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, और इस तरीके से फ्यूचर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजन आपकी बॉडी में शामिल होता है तो उसको फौरी तौर पर किल कर दिया जाता है और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, वीक नहीं हो पाती।